तो दोस्तों, अगर आप कभी भी मार्केट में कोई कार्ड लेने गए हो तो आपको सिर्फ दो ही कार्ड मिलेंगे, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। इससे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ कैसे करना चाहिए, उससे पहले मैं आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस बता देता हूँ। तो दोस्तों, डेबिट कार्ड का मतलब होता है आपके अपने घर का पैसा। जैसे कि आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया और अपने पास पड़े हुए पैसे उसमें जमा करवाए, और बदले में बैंक वाले आपको एक कार्ड इशू करेंगे जिसे कि आप प्लास्टिक मनी भी कह सकते हैं, जिसके कारण आप कहीं पर भी कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड होता है कि आपने बैंक से एक अमाउंट का लोन बनवाया जो कि आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलेगा, जिससे कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर 50 से 30 दिन के अंदर आपको उस अमाउंट को वापस से पूरा करना होगा। क्रेडिट कार्ड में ये हुआ कि आपने बैंक से लोन लिया और कहीं पर उसे खर्च किया, तो एक टाइम की लिमिट में आपको उसे पूरा करना होगा। तो डेबिट कार्ड है आपका खुद का पैसा, और क्रेडिट कार्ड है जो आपने लोन लिया, तो अभी आपके ऊपर है कि जो आप खर्चा करना चाहते हो वह कौन से पैसे से करना चाहते हो। जितने पैसे आपके अकाउंट में हैं उतनी ही चीज़ें खरीदो, लोन लेकर चीज़ें खरीदो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इससे तो ऐसा दिखता है कि आपके पास इस महीने दो महीने में पैसे आने वाले हैं, जिसके बाद आप उस अमाउंट को पूरा वापस कर दोगे। ये कोई खिलौना नहीं है कि आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, अच्छा खासा पैसा मिल गया, जो भी चीज़ें हैं वह खरीद लोगे। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि बैंक वाले सबको ये कार्ड बनाकर नहीं देते, वह पहले ये देखते हैं कि सामने वाला इंसान उनका पैसा भर पाएगा या नहीं। वह ये देखते हैं कि आप जॉब करने वाले बंदे हो या फिर आपका इनकम सोर्स क्या है, तभी आपको सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। इसके साथ साथ आपको एक लिमिट भी बनाकर दी जाती है कि मंथली आप बस इतने ही पैसे खर्च कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और अगर होगा तो इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो ये सब एक तरह का माया जाल है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए जब आपके पास सफिशेंट पैसा है, क्योंकि नहीं तो आप और ख़रीदारी कर लोगे तो जब पैसे भरने की बारी आएगी तो कहाँ से भरोगे। हमारे सेविंग अकाउंट में 7 से 8% इंटरेस्ट रेट लगता है पूरे साल का, जबकि क्रेडिट कार्ड में 30 से 40% इंटरेस्ट रेट लग जाता है। अगर आप उनका पैसा टाइम से नहीं भरते हो, जैसे कि मान लो आपने 1000 रुपये की शॉपिंग की, अगर आप उस पैसे को 30 दिन के अंदर वापस नहीं कर पाए तो वह 2000 भी बन सकता है, या फिर फुल इंक्रीमेंट हो सकता है। आपने जैसे 50,000 तक की शॉपिंग करी है और बैंक वाले आपको कहेंगे कि आपका 8 से 10 हज़ार ड्यू है, तो आपको कहा जाएगा कि आप अभी कम वाला पैसा भर दो और अगला अगले महीने भर देना, तो ये चीज़ आपको आसान लगेगी, लेकिन इसके चलते वे आपसे पैसे भरवाते रहेंगे और वही आप 50 का 80 हज़ार तक दे दोगे। तो यहाँ पर अगर आप क्रेडिट कार्ड स्मार्टली चलाते हो तो अच्छा है। जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड बनवा कर रख लिया है और किसी ज़रूरी काम के लिए या इमरजेंसी आने पर ही उसका इस्तेमाल करते हो, तब तो वह बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड का लापरवाही से इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ऐसा करने पर जब आप पैसे नहीं भर पाओगे तो बैंक वाले आपसे आकर उसे वसूल करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कब कौन सा चार्ज आपको लगा दिया गया। इसलिए क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी के लिए बनाकर रख लो, लेकिन लापरवाही से यूज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग बहुत स्मार्टली खेलते हैं, वह लोग 4 या 5 बैंकों का क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक से भरते हैं, दूसरे का तीसरे से, और इसी तरह से रोटेशन चलती रहती है। लेकिन असली बात तो ये है कि कभी ना कभी तो आपको पैसा भरना ही पड़ेगा, क्योंकि वह पैसा आपका खुद का नहीं है और ना ही आपको फ्री में दिया गया है। इससे बेहतर है कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, एक बैंक अकाउंट बनवाएं, उसमें अपने पैसे डालें और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें।
जिससे कि आपको ना तो किसी से पैसा लेना पड़ेगा और ना ही किसी को देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में आप किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, और समय आने पर 30 दिन के अंदर अंदर जब आपके पास पैसे होंगे तो आप उनको भर दो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।